हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज मैं आपको घुमाने ले आई हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कंट्री में जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रिया में क्या करने आई हूँ, तो ऑस्ट्रिया के एक बहुत सुंदर सा गांव है जिसका नाम है अल्पा। तो मैं इस गांव में आई हूँ और आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे होते हैं यूरोप के ये छोटे से गांव। और एक्चुअली इस गांव में बस मैं घूमने के लिए नहीं आई हूँ, एक एक्टिविटी करने आई हूँ। बहुत ही एडवेंचरस एक्टिविटी है, मुझे बहुत टाइम से सीखनी थी बट कभी मौका नहीं मिला। तो मैं सीखने आई हूँ यहाँ पे स्कीइंग। तो ये जो छोटा सा गांव है ये बहुत ही फेमस है क्योंकि एकदम पहाड़ों के बीचों बीच ये छोटी सी जगह है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट स्पेसिफिकली जिनको स्कीइंग आती है वो इन पहाड़ों पे आते हैं स्कीइंग करने के लिए, क्योंकि मुझे तो स्कीइंग आती नहीं है तो मैं तो सीखने वाली हूँ, आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। मैं पहुंच गई हूँ उस लोकेशन पे जहाँ पे अभी हम रहने वाले हैं और ये है हाउस ज़ोनवेन, जो कि कुछ ऐसे दिखता है। ये सारे यहाँ पे जो अकोमोडेशन ऑप्शंस हैं ये सारे इन्होंने वुडन से बनाए हुए, वुडन शैले हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और करते हैं चेक इन यहाँ पे। और ये शुरू हो जाता है यहाँ से रूम। तो ये एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, तो आप ऐसे देखोगे जो भी आपको घर पे चीजें दिखती है, सोफा, टीवी, डाइनिंग टेबल, कॉफी मेकर, माइक्रोवेव। इस सेक्शन में ऐसे छोटा सा डाइनिंग टेबल है प्लस अ स्मॉल किचन, एंड इसके अंदर देयर आर ऑलरेडी ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। ये फ्रिज है इसके अंदर, यहाँ पे फ्रिज, डिश वॉशर एंड सम बेसिक नेसेसिटीज। और ये डाइनिंग एरिया प्लस यहाँ पे है बेड विथ वार्डरोब दो साइड पे, एंड दिस इज द बाथरूम विच इज क्वाइट बिग एक्चुअली, और साथ में बाथटब भी है यहाँ पे। और अभी चलते हैं यहाँ की बेस्ट जगह पे और वो है बालकनी, एंड हियर इज द व्यू। वाओ, सन भी सामने दिख रहा है एंड सामने माउंटेन्स विथ स्नो। आज फिर भी ज्यादा स्नो है नहीं क्योंकि कल फोरकास्ट है 90% स्नोफॉल होने वाला है कल। बट लुक एट ऑल द अकोमोडेशन ऑप्शन, सामने भी जो होटल है उसका भी प्रिटी मच सेम अपने जैसा ही यहाँ पे वुडन स्ट्रक्चर है शैले की तरह, एंड बालकनी भी बहुत बड़ी है लाइक फ्रॉम योर अंटिल देयर, एंड दिस इज द व्यू फ्रॉम द बालकनी। है कि आप जो ये स्कीइंग के छोटे छोटे गांव होते हैं ऑस्ट्रिया के, वहां पे आप कैसे पहुंच सकते हो? तो आप जो बड़ी सिटीज है इंसब्रुक, साल्सबर्ग, वियना, यहाँ पे तो आराम से फ्लाइट से आ सकते हो। और उसके बाद इधर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो या फिर आप खुद ड्राइव करके भी इन छोटे गांव में पहुंच सकते हो। और अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी से मुझे पता है म्यूनिक से डायरेक्टली ट्रेन चलती है जो कि इंसब्रुक आती है, एंड आई थिंक इट्स हार्डली 1.5-2 घंटे की वो जर्नी होती है। और उसके बाद आप बस ले सकते हो क्योंकि ये जो बस होती है वो मेन जो छोटे टाउन होते हैं वहां से आराम से इन गांव में पहुंचती है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होती उनकी, मतलब 1-1, 2-2 घंटे के बाद होती है, तो वो सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी और उसके बाद आप आराम से प्लान कर सकते हो। मैं तो वैसे कार से आई हूं तो इसलिए मैं डायरेक्टली फ्रैंकफर्ट से निकली थी और डायरेक्टली इस लोकेशन पे पहुंची। तो देखो 4 बज गए हैं और धूप चली भी गई। ये तो मुझे लगता है मैं बहुत लकी थी कि आज थोड़ी धूप तो निकली थी क्योंकि फोरकास्ट में मैंने चेक किया है कि अगले 4-5 दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% स्नोफॉल होने वाली है। एंड इनफैक्ट कल से ही मुझे स्कीइंग के लेसन्स भी लेने हैं, तो मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी बुक किया है जहां से मैं स्कीइंग सीखने वाली हूँ। बट मेरे पास ना ही जैकेट है, हेलमेट, स्की ग्लासेस, ये कुछ भी सामान नहीं है, मैंने बस ऑनलाइन बुक कर दिया है। तो एक्चुअली मुझे अभी बाहर जाना है और पता करना है कि यहाँ पे हम रेंट पे जो है एक्सेसरीज वो सारी ले सकते हैं क्या और उसकी प्राइसेस क्या है। तो ऑलमोस्ट अभी 3:30 बज रहे हैं और अभी जल्दी अंधेरा होने वाला है, तो इससे पहले कि शॉप्स क्लोज हो जाए अभी बाहर निकलते हैं और पता लगाते हैं कि क्या मामला है यहाँ पे, कि कितना एक्सपेंसिव होता है अगर आपको रेंट करनी है स्कीइंग की एक्सेसरीज। तो अभी चलो चलते हैं बाहर और पता लगाते हैं कि कितने में मिलेगा हमें सामान। जो पीछे देख रहे हो ये है स्की स्कूल अल्बाग एक्टिव, जहाँ पे मैंने अपने लेसन बुक करे हैं स्कीइंग के लिए, तो वो तो कल से शुरू होने वाले हैं। बट मैं रेंट का पता करने आई थी कि जो सारे एक्सेसरीज मुझे चाहिए वो कितने में मिलेंगे। तो एक दूसरी शॉप है जहाँ पे ये स्कीइंग के सारे गेयर आपको रेंट पे मिलते हैं, उस शॉप में पता लगा है कि 2 दिन के लिए अगर मुझे स्की बूट्स एंड हेलमेट एंड स्की का जो गेयर है वो रेंट करना है तो वो 45 यूरोज में मिलेगा।
और फिर अगर आपको जैकेट एंड स्नो की पैंट्स लेनी होगी तो उसके लिए 2 डेज के लिए ऑलमोस्ट पे करनी होती है 75 यूरो। तो मैं काम कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि साथ में एक शॉप है वहां पे पता करती हूँ कि अगर आपको खरीदने होंगे तो वो कितने के मिलते हैं, और अगर मुझे कुछ रीजनेबल प्राइस में मिल जाए तो मैं खरीद भी लूंगी। तो अभी मैं एक शॉप में आई हूँ जहाँ पे सारा स्कीइंग का सामान मिलता है, राइट फ्रॉम स्की पैंट्स, जैकेट्स, बूट्स एंड गॉगल्स, ये सब सामान है यहाँ पे। तो मैंने चेक किया कि कोई ऑप्शंस है जहाँ पे मुझे रीजनेबल प्राइस में एटलीस्ट जैकेट एंड पैंट जो है इसकी कोई अगर सेल में प्राइस मिल जाती है, रीजनेबल अमाउंट में मिल जाता है तो मैं खरीद लूँ। तो लकीली मुझे मिल गई है एक ऑफर, 140 यूरोज में स्की पैंट एंड स्की जैकेट मिली है जो मैंने ले ली है। एंड आई एम थिंकिंग कि बाकी का जो सामान है वो खरीदने की ऐसा जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आराम से मिल ही रही है रेंट पे। तो यहाँ से हम कर रहे हैं रेंट सारे स्की गेयर, और मैंने लिया है ये 2 डेज का ऑप्शन जो कि 44.5 यूरो का है, बट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चों के लिए भी ऑप्शन है। तो बस अपना यहाँ पे रजिस्टर करना है, डिटेल्स अपनी फिल करनी है, एंड यहाँ फिर ये लोग अपना आपको असिस्ट करेंगे कि शूज कौन से आएंगे एंड स्की, और सारा असिस्ट करके पूरा आपको तैयार करेंगे। एडवेंचर शुरू करते हैं। ये देखो इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ, पूरा प्रॉपर स्की जैकेट, पैंट्स और ये जो जूते हैं इससे चलना बहुत मुश्किल है, इतना हार्ड और इतने वेट है उसका। और ये रही हमारी स्की और ये स्टिक्स जो कि हमने रेंट करी है वहां से, और अभी मैं रुकी हूँ अपने बस के लिए। तो एक शटल है वो हमें लेके जाएंगी वो माउंटेन के नीचे तक, और उसके बाद हमें लेनी है गंडोला राइड जो लेके जाएंगी इस ऊपर माउंटेन पे, और वहां पे हम लेने वाले हैं प्राइवेट स्की क्लास। मतलब वहां पे ऑलमोस्ट हमें 4 घंटे का हमने जो सेशन बुक किया है वो प्राइवेट ट्यूटर है जो हमें स्कीइंग के लेसन्स देने वाला है। तो आई एम नॉट श्योर कि कैसे होने वाला है, फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। और ये देखो सुबह से आप स्नोफॉल हो रही है, तो एक्साइटेड तो बहुत हूँ मैं। और मैं हूँ अभी स्की बस में, तो ये एक स्की शटल है जो हमें स्की स्टेशन तक लेके जाएगी। तो ये अभी हम पहुंच गए हैं स्की स्टेशन, तो ये है स्की जोवेल अल्बाकल और वाइल्ड शालों। तो आप मेरे पीछे देख सकते हो वो जो इतनी बड़ी मैप है वो इसलिए है क्योंकि ये जो पूरा स्की रीजन है वो 4 माउंटेन्स पे डिवाइडेड है। और ये है क्लोजर लुक इस मैप का, और आप राइट साइड पे जो ये रीजन देख रहे हो अल्बाकल, और वहां पे जो लिखा है लाउजर जाउसर, उस जगह पे हम ऊपर जाने वाले हैं इधर इतने हाइट पे जहाँ पे हमारा स्की लर्निंग सेशन है। और ऊपर यहाँ पर देखोगे स्नो पार्क भी है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। एंड उसके अलावा आप यहाँ पे सीख भी सकते हैं, एंड जिनको स्कीइंग आती है वो तो आराम से यहाँ पे अलग अलग, ये देखो मैप है तो राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक लोग स्की करते तक अलग अलग रीजन्स में भी जाते हैं। और अभी हम चलते हैं ऊपर, और कासा मतलब पहले तो अभी टिकट ले लेते हैं आगे जाके। और जिस स्की बस से हम आए थे स्की शटल, उसने हमें वो लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो बस स्टॉप जैसा जो है वहां पे छोड़ा था। और ये है ये जो स्की स्टेशन उसका ऑफिस जहाँ से अभी हम लेने वाले हैं टिकट। एक बार ऊपर और नीचे जाने के लिए जो टिकट है वो 1 पर्सन की है 19 यूरो। तो यहाँ पे अलग अलग इनके टिकट्स होती है डे के हिसाब से भी, वो भी आप चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से टिकट ले सकते हो। तो टिकट ले लिए है यहाँ से, इसके पीछे बारकोड है, तो अलग अलग एंट्रेंस पे हमने बस इसे स्कैन करनी है और फिर गंडोला राइड्स ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से हमें गंडोलास मिलने वाले हैं। जो कि हमें माउंटेन पीक पे लेके जाने वाला है जहाँ पे हमारी स्की स्कूल है, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। बट ये जो राइड है वो इतनी ब्यूटीफुल है, पूरे ऐसे ट्रीज एंड माउंटेन के बीचों बीच हम ऊपर जा रहे हैं एंड फुल्ली स्नो कवर्ड ट्रीज, और जो नजारे हैं वो तो अनबिलीवेबल। ये देखो निकले थे तब तो बहुत स्नोफॉल हो रही थी, पूरा स्नो कवर्ड सारी जगह थी, और जब अभी ऊपर आ रहे हैं तो धूप निकली है जो कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है। एंड लोग यहाँ पे इतने सारे दिख रहे हैं जो स्की कर रहे हैं। और अब
अभी हम पहुंच गए हैं बीडर बेर्गेस हॉर्नबाग, जो कि बैक स्टेशन है। 1850 मीटर पे अभी है हम लोग, और यहाँ पे ही है हमारा स्की स्कूल, जहाँ पे हम जाके अभी स्की स्टार्ट करने वाले हैं। और जैसे ही हम ऊपर आए हैं, लोग हमें ऑलरेडी दिख रहे हैं जो फुल ऑन तैयार हो रहे हैं और स्की के लिए निकलने वाले हैं। ठीक है लोग, सारा गेयर, तो इसे कहते हैं स्की, जो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसे खोल के अभी मैं पैरों में पहनूंगी। ये है पोल्स, और जो सबसे क्रेजीएस्ट पार्ट होता है स्की का, वो है ये जूते। और ये जो शूज है, ये नॉर्मल जूते नहीं है, ये इतने हैवी है। और ये देखो ऐसे वेट है इनका, इन शूज के साथ ऐसे नीचे अंदर लेयरिंग करने के बाद, ये सॉक्स पहन के, ये शूज पहन के, ऐसा सारा गेयर पे रेडी होके अभी निकलना है हमें स्की सीखने के लिए। और एक्चुअली -4 डिग्रीज हो रहे हैं, बट फीस लाइक टेम्परेचर यहाँ पे है -9 डिग्रीज। तो अगले 4-4.5 घंटे हमें यहाँ पे रुकना है, स्की सीखनी है। Finally. Hey, Toreador, where are your poles? और कोई भी स्पोर्ट सीखना हो, या फॉर दैट मैटर बाइक चलानी हो या साइकिल चलानी हो, ऐसे एक्टिविटीज जब आप नहीं कुछ सीखते हो तो गिरना तो बड़ा कॉमन है। तो ऐसे ही कुछ हुआ, अभी मैं स्कीइंग करना ट्राई कर रही थी स्लोप पे, तो ये जो ट्रेनिंग एरिया है वहां पे तक तो ठीक था, बट यहाँ से शुरू होता है थोड़ा ढलान वाला माउंटेन एरिया, जहाँ पे मैं नीचे जाने की कोशिश कर रही थी हमारे ट्रेनर के साथ। बट हुआ ये कि मैं टर्न लेना ठीक से हो नहीं पाया मुझसे, और उस चक्कर में मैं पीछे गिर गई स्की के साथ, जो पैर पे बंधी हुई थी। और उसके बाद तो स्की के साथ उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा पैर में भी हल्का सा थोड़ा सा कुछ फील हो रहा है, तो इसलिए मैं 5-10 मिनट के लिए साइड में रुकी हूँ। बट ये अच्छा है कि प्राइवेट ट्रेनर होने की वजह से अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो वो बार बार करेक्ट कर रहे हैं। ब्रेक मिला है, 1 घंटे का ब्रेक दिया है उन्होंने, उन्होंने कहा जाके लंच वगैरह करके आओ। और जहाँ पे हम अभी ट्रेनिंग कर रहे थे उसी के हार्डली 100 मीटर पे रेस्टोरेंट है ये। ऐसे माउंटेन्स में जब लोग स्की करते करते थक जाते हैं, कुछ खाने पीने का मन करता है, तो ये ऐसे रेस्टोरेंट के भी ऑप्शन है यहाँ पे। एक्चुअली 4 रेस्टोरेंट है, बट नियरेस्ट जो हमारे पास ऑप्शन था ये इस रेस्टोरेंट का था। तो अभी बस सूप मंगाया है, थोड़ा सूप पीते हैं ब्रेड के साथ जो आएगा, और उसके बाद थोड़ा सा 1 घंटे में वापस जाना है हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू करने के लिए। और ये रहा पम्पकिन सूप, जो कि ब्रेड के साथ आया है, दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और इतनी ज्यादा ठंड है कि कॉफी भी मंगाई है, और साथ में ये है एप्पल स्ट्रूडल। तो एप्पल स्ट्रूडल बेसिकली एप्पल केक होता है, जो आप आइसिंग शुगर और वेनिला सॉस के साथ भी मंगा सकते हो, आइसक्रीम के साथ भी आता है ये। और अंदर कुछ ऐसे दिखता है, ये वार्म है, गर्म है, और अंदर आपको एप्पल के पीसेस भी दिखेंगे। ऐसी रही हमारी स्की की क्लासेस, और बहुत ही मजा आया। इस बात की खुशी हुई कि एटलीस्ट स्कीइंग कर तो पा रहे, नॉट एकदम माउंटेन्स के अंदर, बट अच्छे से तो कर पा रहे। और पता है यहाँ पे ज्यादा करके हमें इंडियंस दिखे नहीं, और ये हमने रियलाइज नहीं किया, बट कुछ जर्मन्स और यहाँ के ऑस्ट्रिया के जो लोकल्स है, वो जो यहाँ पे स्की करने आ रहे हैं, उन्होंने हमें देखा कि हम पहली बार स्की सीख रहे हैं, और फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी कंट्री से हो, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप इंडिया से हो। तो इंडिया के तो हमने बहुत सारे लोग कभी देखे नहीं है कि स्की करने आए, तो फिर बोले कि अच्छी बात है, सीखो, उनमें मजा आएगा, हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं। और ये जो बातें करी है, ये जो पीछे ग्रुप में पूरी फैमिली आई है, दादा दादी मम्मी पापा और छोटे छोटे बच्चे, तो ये जो छोटे बच्चे हार्डली 4 साल के होंगे, 4-5 साल के, वो
उन्होंने स्की लेसन लिए हैं 3 दिन के, 3 या 4 दिन के, और उन्होंने आज उनकी टेस्ट कंप्लीट करी है और उनको मेडल्स भी मिले, तो उनका पूरा परिवार फोटो भी खींच रहा है यहाँ पे। और देखो तो अभी गंडोला राइड लेके हम वापस नीचे जा रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग स्की एक्सपीरियंस रहा, और सबसे मतलब स्कीइंग की मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि बहुत टायरिंग है। इनिशियली जो सीखना है उसमें बहुत पेशेंस लगते हैं और बहुत टायरिंग लगेगा, बट वर्थ इट है, ट्रस्ट मी। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऊपर से ऐसे स्लोप पे जाते हो और बर्फ होती है सब जगह से, एंड ऐसे राइट लेफ्ट लेते हुए, तो वर्थ इट तो है। और यहाँ पे रिटर्न कर दिए हैं हमने सारे स्की इक्विपमेंट जो रेंट पे लिए थे, तो ये मेरा हेलमेट और स्की रिटर्न कर दिया है, और अभी बारी है ये बड़े जूतों को निकालने की। तो ये रहे जूते जिसको अभी हम निकालेंगे, और निकल गए फाइनली की करके तो हो गया है, और अभी हो रहा है एक बहुत जरूरी काम, और वो है खाना बनाने का। अभी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो कुछ तो फायदा हो, अपने मनपसंद का खाना तो खाने मिले, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट्स में हालांकि ज्यादा रेस्टोरेंट के ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये छोटा सा गांव है, उसके बाद भी यहाँ पे श्निट्ज़ल, मीट, फ्राइज, ब्रेड ऐसे वाला खाना मिलता है, जर्मन या ऑस्ट्रियन फूड। तो इस चीज का फायदा है, अपार्टमेंट में जब रह रहे हो तो अपने मनपसंद का खाना तो खा सकते हैं बना के। तो अभी तो मैं बाहर आई हूँ वॉक करने के लिए, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि स्की ट्रेनिंग के लिए और अकोमोडेशन के लिए मैंने कितनी अमाउंट पे करी। तो अकोमोडेशन जो था वो तो था सर्विस अपार्टमेंट, और जो कि हाउस जॉनवेंट में था, तो उसके लिए मैंने पे करे कुछ अराउंड 130 यूरोस पर नाइट। और जो स्की ट्रेनिंग थी उसके लिए देखो दो ऑप्शन थे मेरे पास, इधर मैं ग्रुप ट्रेनिंग लूँ या फिर पर्सनल ट्रेनिंग लूँ। तो मैंने ऑप्शन चूज किया था कि मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ, और वो की मैंने 2 दिन के लिए, और 1 दिन के लिए मुझे ऑलमोस्ट 4 आवर्स ट्रेनिंग लेनी थी। फिर ऐसे मैंने 2 दिन के लिए एंड पर डे 4 आवर्स के लिए पे करे कुछ 480 यूरोस। तो ये मेरे को बढ़िया ऑप्शन लगा, क्योंकि आप ग्रुप ट्रेनिंग भी जब लेते हो तो ऑलमोस्ट कुछ सेम ही अमाउंट पे करनी पड़ती है, प्लस आपको ग्रुप के टाइमिंग के हिसाब से आना होता है, और यू नो उन स्पेसिफिक डेज पे ही ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होती है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जितना टाइम इन्वेस्ट किया और पैसे इन्वेस्ट करे, उससे एटलीस्ट मैं कुछ एक नई हॉबी या नया कोई स्पोर्ट ये सीख पाई। और बाकी की डिटेल्स तो आपको बता ही दी है मैंने, किसकी रेंटल के लिए कितनी अमाउंट लगती है, और ये सारी डिटेल्स तो आपको पता ही लगी होगी।